राजा उपरीचर एक महान प्रतापी राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और बड़ा सत्यव्रती था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न करके एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला प्राप्त की थी। वह माला धारण करके विमान पर बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा चाव था। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उपरीचर की रानी का नाम गिरिका था। गिरिका भी बड़ी सुंदर और पवित्र हृदय थी। वह अपने पति को प्रेम तो करती ही थी, ईश्वर के प्रति भी बड़ी आस्थालु थी। निरंतर भजन और चिंतन में लगी रहती थी। एक बार गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिनों के पश्चात जब वह शुद्ध हुई तो उपरीचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला गया तो किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर ही लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वरों में पक्षी गान कर रहे थे। राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसके वीर स्थलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए पक्षी को बुलाकर उससे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। बाज दोने को मुख में दबाकर राजा के भवन की ओर उड़ चला। वह यमुना नदी के ऊपर से उड़ता हुआ चला जा रहा था। सहसा एक दूसरे बाज की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सोचा यह अपने मुख में खाने की कोई वस्तु दबाए हुए है, अतः उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों में घमासान युद्ध करने लगा। परिणाम यह हुआ कि पहले बाज के मुख से दोना छूटकर यमुना के जल में गिर पड़ा। दोने में रखा वीर पानी में मिल गया। एक मछली की वीर पर दृष्टि पड़ी। उसने सोचा यह खाने की वस्तु है, अतः वह उसको पानी के साथ निगल गई। फलतः मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। दासराज ने दोने को उपरीचर को भेंट कर दिया। उपरीचर ने बालक को तो अपने पास रख लिया, पर बालिका को दासराज को लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा था। वह मछली के पेट से उत्पन्न थी, इसलिए उसके शरीर से मछली जैसी गंध निकलती रहती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहा करते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी हुई। वह बड़ी रूपवती थी। वह रात्रियों को अपनी नाव पर बैठकर इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर की समय महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे। वे मत्स्यगंधा को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उससे कहा, सुंदरी तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमण कैसे कर सकती हूँ। पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा पैदा कर दिया और बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकेगा, तो निश्चित मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मत्स्यगंधा पुनः बोली, महर्षि मैं कुमारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लंचित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के पश्चात भी तुम्हारा कौमार बना रहेगा, गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली,
एक बात और, मेरे शरीर से मछली जैसे गंध निकलती है। आप मुझे वरदान दें कि वह गंध के रूप में बदल जाए और चार कोस तक फैली रहे। पराशर जी ने तथास्तु कह दिया। फलता मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी जैसी गंध निकलने लगी। वह गंध चार कोस तक फैली रहती थी, अतः अब वह योजन गंधा भी कही जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ चमक किया। उनके साथ चमक के फलस्वरूप वह गर्भवती हुई। समय पर यमुना के द्वीप में एक बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वापायन वेद व्यास था। वे श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। वे दो द्वीपों के बीच में पैदा हुए थे, इसलिए द्वापायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से वेद व्यास कहे जाते थे। वेद व्यास जी अमर हैं, वे आज भी धरती पर विद्यमान हैं और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।